हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग पे। आए हो आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी हम साग धोने आए थे, एक पीस मिला है मुझे, और ये लोग यहाँ पर तोड़ रहे हैं साग वगैरह तोड़ रहे हैं। ये देखो ये लोग साग धो रहे हैं। देखो अभी मैं ढूंढ रही हूँ सरसों का साग, ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल नहीं रहा है। ये दूसरा साग ढूंढ रही है लोग। तो गाइस इतना मिला है मुझे साग, बाकी उन सबको मिल गया है बहुत सारे, और मैंने बहुत ही कम तोड़े हैं क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है। इसलिए मैं आई थी सरसों का साग ढूंढने आए थे, तो मुझे सरसों का साग नहीं मिला, तो इसलिए मैंने तोड़ दिया। लो तो अभी जा रहे हैं दूसरे जगह पे जा रहे हैं। अभी आज का मौसम कितना अच्छा लग रहा है। देहरादून है ही मच, एकदम मस्त जगह, फुल बुझे हो बेका नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे सरसों का साग वगैरह है। तो अरे क्या कहूँ मैं, बुद्धा हो गया सारे। देखो खेती किया हुआ है ना, ये देखो पूरा सरसों का वो है। ये देखो सरसों। तो मौसम कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो अभी धूप तेज है। अभी टाइम कितना हो रहा है, 6 बज रहे हैं अभी। क्या मौसम आया है। बाथरूम सिंगर, दिस इज द बाथरूम सिंगर। तो ये लोग अभी ये तोड़ रहे हैं अभी साग वगैरह, इनका अभी तक जी नहीं भर है और मेरा जी बढ़ गया है। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं तो वीडियो बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है, अपलोड ही नहीं होते यहाँ पर, तो नेटवर्क ही नहीं है। एक वीडियो है जो अपलोड कर रही हूँ, अभी तक अपलोड नहीं हुए, वो है 27 मिनट है, ज़रूर देखना वो ब्लॉग को, बहुत ही मज़ा आएंगे आप सभी को शायद। ये कौन सा चिड़िया का फंग है पता नहीं है, मुझे यहाँ पर घिरा हुआ है, वाइट और ब्लैक में मिक्स है। तो ये लोग अभी साग तोड़ रहे हैं और मैं थोड़ा सा गप्पे सप्पे मार रही आप सभी के साथ। लो मैं ठंडा हवा खा लूँ। ओ खाई देखो यहाँ पर। तो गाइस अभी हम यहाँ पर आए थे घूमने, वैसे तो घूमने का कोई घूमने का लायक ही नहीं है यहाँ पर। फोटो खिंचाया हमने, एक दो रील्स बनाया, फिर अभी इतना क्लियर नहीं आ रहा ना, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। तो हम स्कूटी से आए थे, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, और बाकी दोस्तों उधर ही बैठे हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं बना रही हूँ, आप सभी को दिखा रही हूँ पहाड़। आपने तो कभी देखा ही नहीं होगा ऐसे पहाड़। होता ही नहीं हमारे इधर, तो होता ही नहीं है। हाँ तो आप तो पहली बार देख रहा होगा ऐसे पहाड़। वैसे तो हम देखते रहते हैं ऐसे पहाड़, तो हमारे तो पैरों के नीचे ऐसे पहाड़, तो हम तो देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है तिब्बतियन का झंडा है यहाँ पर, तो तिब्बतियन लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर झंडा वगैरह लगाते हैं ये लोग। तो ये जो दुकान वगैरह था होगा बंद है अभी, इसमें कोई नहीं है, अभी बंद कर दिया होगा। नीचे पूरा देखो कितना ये है खाई है, गिरेगा तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है देखो। तो दुकान बंद है, यहाँ पर दुकान नहीं है। तो साइड लगाया कि नहीं लगा पता नहीं है मुझे, काफ़ी पुराना हो चुका है, देख के लग रहा है कि काफ़ी पुराना हो चुका है यहाँ पर। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है अभी, नीचे देखो खाई देखो कितना भयंकर है, ये देखो खाई देखो। तो यहाँ पर शायद आग चलाया होगा, वो लोग ने आग चलाया होगा, आग का वो है बॉटल, हाँ बॉटल है, बियर का बॉटल भी रखा हुआ है इसमें। तो अभी शायद बंद कर दिया दुकान, यहाँ पर देखने में भी अजीब से लग रहा है, पुराना होता टूट जाएगा, ये 2-3 आदमी भी जा नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा है। वहाँ पर बनाता होगा जैसे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह खोला होगा मोमोज या चाउमीन का, तो वहाँ पर बनाता होगा, यहाँ पर खाता होगा लोग। तो तिब्बतियन लोग जहाँ भी जाते हैं उनका ये झंडा रहता है, उनका निशानी है ये, तो कहीं भी जाते हैं तो ये झंडा रहते रहता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मज़ा आ रहा है, बहुत ही हवा तेज़ चल रही है यहाँ। वैसे गर्मी तो है, धूप तो है थोड़ा बहुत है, पर हवा चल रही है ना अभी तो ठीक ही है, अच्छा है। तो नीचे देख सकते हो गाइस खाई देखो कितना भयंकर है यहाँ। मोहब्बत जय भाड़ में, हम आ गई है पहाड़ों में है।
है।